हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन पागल आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज मैं एक नई पेंटिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी जो पेंटिंग है अभी इनकम्प्लीट है और मैं इस पेंटिंग को थोड़ी देर बाद में पूरा करूँगा। इसमें आउटलाइंस लगानी बाकी हैं, लेकिन इस पेंटिंग में क्या मैसेज छिपा हुआ है, मैं इस पेंटिंग में क्या आपको बताना चाहता हूँ, क्या मैसेज देना चाहता हूँ, उस मैसेज को जब तक मैं इस पेंटिंग को कम्प्लीट करता हूँ आप तब तक अपने दिमाग लगा कर सोचिए कि मैं इस पेंटिंग में क्या दिखाना चाहता हूँ। और जैसी पेंटिंग कंप्लीट होगी आखिरी में मैं आपको इस पेंटिंग के बारे में बताऊंगा कि इस पेंटिंग का मैसेज क्या है। आइए देखते हैं पेंटिंग। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों ने पेंटिंग देखी और इसका बड़ा आनंद लिया होगा। और कितने लोगों ने इस पेंटिंग के बारे में बताया, उन्होंने कमेंट किए हैं और मैं उनके कमेंट पढ़ रहा हूँ। और अब मैं आपको इसका राज खोलना चाहता हूँ कि दरअसल क्या है कि ये दो इंसान हैं और ये कैक्टस जो मैंने लिया है तो ये बुराई का स्वरूप है और ये है इस पर गुलाब का फूल है तो ये अच्छाई का प्रतीक है, जैसे कि या फिर ये कह सकते हैं कि ये फूल है ये अच्छाई का प्रतीक है और जो ये कांटे हैं ये बुराई का प्रतीक है। लेकिन अब इसमें ये अच्छा भी है बुरा, लेकिन जब किसी दूसरे से एक अच्छा आदमी एक बुरे आदमी से मिलता है तो जो बुरा है उसने इस फूल को ना देखकर केवल इसके कांटे देखे, क्योंकि इसमें कांटे ही कांटे हैं, लेकिन जो ये अच्छा आदमी है, ये फूल है ना, पुष्प है, तो ये अच्छा इंसान है, तो इसने इसके सारे कांटों को छोड़कर केवल ये फूल उसको दिख रहा है कि हाँ अरे वाह ये तो अच्छा है, इसमें ये अच्छा ही है, लेकिन इसको इसकी सारी अच्छाइयां खत्म होने के बाद में ये कांटे देख रहे हैं कि ये सोच रहा है कि ओह इसमें ये बुराइयां हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस दुनिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो एक ऐसे होते हैं कि अच्छाई को कम देखते हैं और बुराई को ज्यादा खोजते हैं। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि जो इंसान जैसा होता है उसको दूसरा इंसान वैसा ही दिखाई देता है। जैसे कि मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी बहुत बचपन में कि कोई चोर था तो चोरी करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में एक आदमी मिला और वो उस आदमी को देखकर सोचने लगा वो शायद ये भी चोर है। तो वही भावना यहाँ पर है कि इन दोनों की भावना ऐसी कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जैसी रही भावना जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखे ताही मूरत वैसी, कि जिसकी जैसी भावना है वो जो है कि दूसरे में वैसी ही मूर्ति देखता है। और यही इस पेंटिंग का लोगो है, यही इस पेंटिंग का मोटो है। और आपने इस पेंटिंग को सराहा, मेरे वीडियो को देखा, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।